हे गाइस, Redmi के फोन को इंडिया में काफी पसंद किया जाता है क्योंकि दोस्तों Redmi के फोन में काफी शानदार फ्यूचर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों Redmi के फोन को काफी लो बजट में भी इंडिया में लॉन्च किया जाता है, इसलिए यूजर इन्हें काफी पसंद करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi के अपकमिंग स्मार्टफोन जिसका नाम होगा Redmi Note 13 Pro Max 5G। दोस्तों ये स्मार्टफोन की भी काफी लीक्स निकल कर के आ रही है कि इसे इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च किया जाएगा, जिसमें काफी खतरनाक का फ्यूचर दिया गया है। इसका जो मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का है और लुक और डिजाइन में भी दोस्तों ये स्मार्टफोन बिल्कुल आईफोन की तरह देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम पूरा डिटेल में इस स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं कि आखिर इंडिया में इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा और इंडिया प्राइस क्या होने वाली है, साथ ही किस स्क्रीन पर हमको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बिना देर किए वीडियो करते स्टार्ट। गाइस सबसे पहले हम इसके लुक और डिजाइन को लेकर के बात करेंगे तो लुक और डिजाइन में भी ये स्मार्टफोन काफी बेहतरीन होने वाला है, प्रीमियम डिजाइन के साथ देखने को मिलेगा। और हाँ गाइस, ये स्मार्टफोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। पहला वेरिएंट रहेगा इसका 8GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज। वहीं पर दोस्तों इसका जो टॉप वेरिएंट रहेगा गाइस वो आपको 12GB की रैम और 256GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। दोस्तों ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर बेस्ट रहेगा। अगर हम इस फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो की 8nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, 2.3 GHz क्लॉक स्पीड के साथ रन करता है। दोस्तों प्रोसेसर भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिलेगा जिसमें आप गेमिंग वगैरह भी काफी बढ़िया से कर सकते हो। इसके अलावा अगर इस फोन के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जाएगी जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगी और कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 4 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों ये डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले होने वाली है तो गाइस डिस्प्ले क्वालिटी भी आपको काफी जबरदस्त की रहेगी। अगर दोस्तों इस स्मार्टफोन के हम कैमरा के बारे में बात करते हैं तो क्वाड कैमरा सेटअप दिया जाएगा जिसमें इसका 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा रहेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा और 5 मेगापिक्सल का माइक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा देखने को मिलेगा। इसके बैक कैमरा से आप 4K 30fps वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं पर दोस्तों सेल्फी के लिए इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यूज किया जाएगा जो कि काफी बढ़िया होने वाला है। दोस्तों इसका कैमरा तो दोस्तों लाजवाब रहेगा जिसमें आप काफी बेहतरीन क्वालिटी की फोटो भी क्लिक कर सकते हो। वहीं पर इस फोन में पावर बैकअप के लिए 6000mAh की बैटरी दी जाएगी और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 120W का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा। चार्जिंग के लिए USB टाइप सी केबल रहेगा। सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों रहेगा और 3.5 का ऑडियो जैक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इस स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस है 24,000 रुपया। वहीं पे बात करते हैं इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में तो ये स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 5 सितंबर 2023। उम्मीद है तब तक ये इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा।